तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं, है ना। तो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐप को यहाँ से इंस्टॉल करना होता है, तब भी आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डॉक स्कैनर, आपको इसी को सर्च कर लेना है डॉक स्कैनर को। उसके बाद आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ से डॉक स्कैनर को यहाँ से ओपन करना है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ये ऐप। यहाँ से चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है कैमरा और दूसरा है गैलरी। आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैलरी में कुछ फ़ोटो रखा है, चलिए गैलरी से ही ले लेते हैं और आपको पीडीएफ फाइल बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम तीन फ़ोटो यहाँ से टिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। आपको यहाँ से पहले देख लेना है, यहाँ पर अपने आप ही क्रॉप हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्रॉप भी नहीं करना होता है ना। ये थोड़ा सा है, इसे मैनेज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से देख लेना तीनों फ़ोटो को। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड पर क्लिक कर देना है। राइट साइड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, थ्री डॉट। यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इसी पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फोल्डर का नेम दे देना है, ताकि आप यहाँ पीडीएफ फाइल ढूंढ सके। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इस पीडीएफ फाइल का नाम अवतार, अवतार। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, पीडीएफ जेपीजी। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है पीडीएफ फाइल। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव। आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, है ना। चलिए हम सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, माय डॉक्यूमेंट। आप जैसे ही माय डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर पीडीएफ फाइल आपके फाइल में सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अवतार पर क्लिक कर देना है अपने नेम पर। तो यहाँ पर सेविंग लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव्ड सक्सेसफुल, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। चलिए हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फाइल को यहाँ से ढूंढना है ना। तो यहाँ पर चलिए हम फाइल में चले जाते हैं। ये रही फाइल, आपको यहाँ से फाइल ओपन करना है। फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट। आपको सिंपली डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर पीडीएफ फाइल जो आपने अभी भी बनाई यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी पीडीएफ फाइल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है ना। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर भाई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।